कमिश्नरी कार्यालय में मुख्यमंत्री योगी ने मीडिया को किया संबोधित, कहा विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है अलीगढ़। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ पहुंचे। अलीगढ़ में मुख्यमंत्री ने कमिश्नरी सभागार में अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ लगातार 3 घंटे बैठक की और उसके बाद मीडिया से रूबरू हुए। पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद प्रदेश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। वहीं अलीगढ़ में भी लगातार विकास कार्य हो रहे हैं, जिसमें अलीगढ़ तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि आज मेरे द्वारा निर्माणाधीन राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया गया था और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। उन्होंने कहा कि जैसा कि अलीगढ़ का चयन स्मार्ट सिटी में हुआ है, उसी क्रम में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत यहाँ के कई पार्कों का सौंदर्यीकरण भी कराया जा रहा है। अलीगढ़ में 73 करोड़ की लागत से बना हैबिटेट सेंटर शहरवासियों को दिया गया है, जिसका उद्घाटन मेरे द्वारा आज किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण भी कराया जा रहा है। ये प्रदेश के लिए गौरव की बात होगी कि अलीगढ़ में तैयार होने वाला असलहा अब देश की रक्षा करने के काम में आएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अलीगढ़ में तेजी से विकास कार्य होने की बात कही। अलीगढ़ मंडल के समीक्षा के देश से आज मैं यहाँ पर आया हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश विकास के एक नए मॉडल की दिशा में आगे बढ़ा है और अलीगढ़ के अंदर भी आज उस दिशा में बेहतर प्रयास हुए हैं। मैंने यहाँ पर आने के बाद महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य की भी समीक्षा की है। उसे तेजी के साथ आगे बढ़ाने का मौके पर निर्देश भी दिए हैं और उसके लिए एक कमेटी भी गठित की है, जो समय समय पर उसकी समीक्षा करते हुए, साप्ताहिक समीक्षा करते हुए कार्य को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकें। यहाँ पर अभी समीक्षा बैठक विकास कार्यों की दृष्टि से सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के हम लोगों ने ली है। बहुत अच्छे और अभिनव प्रयोग भी यहाँ पर हुए हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो नए कार्य हुए हैं, उसमें से कुछ का भी लोकार्पण होने जा रहा है और कुछ कार्यों को अभी तेज गति के साथ आगे बढ़ाने की कार्रवाई चल रही है। बहुत सारे नए मॉडल अलीगढ़ को इस दिशा में आगे बढ़ाने हैं। डिफेंस कॉरिडोर के दिशा जो 6 नोड प्रदेश के अंदर विकसित हो रहे हैं, उनमें से एक अलीगढ़ भी है। प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी अलीगढ़ ने एक विरासत अलीगढ़ के साथ जुड़ी हुई है, उस विरासत को आगे बढ़ाने की दिशा में भी यहाँ पर अच्छे कार्य हुए हैं। इसको और अच्छी गति से कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, आज अभी यहाँ पर बैठक में तमाम अन्य चर्चाएं हुई हैं। सभी मुद्दों पर बहुत सकारात्मक चर्चा आगे बढ़ी है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अलीगढ़ विकास की जिन नई बुलंदियों की ओर छोड़ने जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, वह शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वही हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम होली गेट मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीजें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनोन और आपके नेट के अंदर काफी डिजाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।